18 जुलाई देवताओं के गुरु बृहस्पति का आज है गुरुवार। शुक्ल योग और ब्रह्म योग से आपको ज्ञान और बुद्धि का तालमेल बिठाने का मौका मिलेगा। चंद्रमा और राहु का नवम पंचम राजयोग, आज यात्रा में भी लाभ मिल सकता है और लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपकी विजय हो सकती है। लेकिन चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष आपकी किसी से गलत दोस्ती भी हो सकती है। जॉब या इंटरव्यू के लिए आपके विशेष प्रयास कर रहे तो उसमें सफलता पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर 10th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है, इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले तीन बात करते हैं। पहला, वक्त दिखाई नहीं देता है पर वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है, इसलिए वक्त की कीमत समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए, प्रोडक्टिव काम करिए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 जुलाई को मुंबई हूं, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल, 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा। जल्द ही दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की डेट में आपको अनाउंस करूंगा। तीसरी बात, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर आप मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 1 मिनट फोन पर मैं आपसे बात करूंगा। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं, चारों सोमवार पर हमारे पंडित जी विशेष रूप से आपके लिए पूजन करेंगे। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना में जरूर भेजिए। चंद सेकंड आप लोगों को दूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:44 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग आज बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच की वृषभ वृश्चिक राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे, सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौघड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्यों से दूरी बनाएं। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज यात्रा में थोड़ा सावधानी रखिएगा, अगर यात्रा करते हैं तो झगड़ा, वैल्यूबल चीजों का गुमना या कोई परेशानी आ सकती है। बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट, लिए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं, अलर्ट रहेगा। बिजनेस पर्सन को कस्टमर के साथ उधारी के लेन देन से आज बचना चाहिए, वरना पैसा फंस जाएगा। वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, अच्छा बुरा, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अपनी वैल्यूबल चीजें और डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए, गुमना या उसके मिसयूज का खतरा है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस के काम में विलंब के कारण आज आप पर कोई कार्यवाही हो सकती है। फैमिली में मतभेद और मन मुटाव को दूर करने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ेगा। कम समय में ज्यादा काम करना और जिज्ञासा रखना ये बड़ा चैलेंज रहेगा, इस पर ध्यान देना होगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट रखिए, इमोशंस को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ आप भी छोटे ही बन जाएं, लेकिन गुस्सेल रवैया मत अपनाएगा। यदि वर्तमान समय में कोई गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो आज उसका त्याग करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। चेस्ट पेन या एंग्जाइटी परेशान आपको कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई टेक्नोलॉजी और नए नुस्खे अपनाकर आज आपका दिन शानदार हो सकता है। वृषभ राशि। बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल तरीके सोचोगे तो नए आइडियाज आपको आपके काम में तेजी लाने में मदद करेंगे। बुध आदित्य योग से बुद्धि अच्छी चलेगी, शुक्ल और ब्रह्म योग के बनने से ज्ञान अर्जित करेंगे और उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बिजनेस पर्सन को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जिससे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, नई कोई डील आप क्रैक कर पाएंगे, नए ऑर्डर टेंडर पर काम करिए। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल फायदा पहुंचाएगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, फैमिली के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है। घर में साफ सफाई और हाइजेनिक तरीके से काम करने की आदत अब डाल दीजिए।
इलेक्शन के रिजल्ट अब आ चुके हैं, पॉलिटिशियन को अगले इलेक्शन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जनरल हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टूडेंट के हाथ आज सफलता लगने वाली है। मिथुन राशि, दुश्मनों की दुश्मनी को खत्म करने पर ध्यान दीजिए, दुश्मन को दोस्त बना लीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बुध आदित्य शुक्ल और ब्रह्म योग के बनने से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो नए प्रोडक्ट पर आज काम होगा। वर्क प्लेस पर समय आपके पक्ष में, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। एम्प्लॉयड पर्सन यदि नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करेंगे तो नए अवसर आपको मिल ही जाएंगे। फैमिली में आपको किसी काम को लेकर सहयोग भी मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने का मौका मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से आप अपने आप को एनर्जेटिक आज फील करेंगे। अचानक से यात्रा प्लान हो सकती है। बहन या महिला के स्वास्थ्य को लेकर आज सचेत रहना होगा और अपनी किसी भी मन की बात है तो परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिए। वर्तमान समय में हाथ समेट कर चलना होगा और कुछ भी खर्चा करने या रॉन्ग शॉपिंग आज हो सकती है, इस पर ध्यान देना होगा कि आपकी गाड़ी कमाई कहीं वेस्ट ना हो जाए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स प्यार इश्क और मोहब्बत या दोस्ती या दूसरी चीजों में इतने इन्वॉल्व होंगे कि अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ आते आते रुक जाएगा। जब तक काम न हो पैसा जेब में ना आए किसी को बोलिए मत, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। बुध आदित्य शुक्ल और ब्रह्म योग के बनने से बिजनेस से रिलेटेड लीगल अवेयरनेस रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर दोस्तों के साथ हर संभव मदद आपको मिलेगी। पॉलिटिशियन के काम में कुछ रुकावट आएगी लेकिन आपको अथक प्रयास जारी रखना चाहिए। कामयाबी कोशिश करने से हासिल होती है, बातें इंतजार करने से नहीं। फैमिली में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आप कुछ स्पेशल करेंगे। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ नए प्रयोग करें। ई लर्निंग के बारे में कुछ नया सीखना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांस ट्रेवल शॉपिंग आज संभव है। स्वास्थ्य आपके अनुकूल है, जोश और जुनून में कोई कमी न होने पाए। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को आपको उजागर नहीं करना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए। अपनी कमी और अपनी कमजोरी को किसी को न बताएं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज किसी का जो अनुभवी व्यक्ति का सहारा आपको मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज ग्राउंड पर मेहनत करने का दिन है। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि की बात, आज के गुरु मंत्र बात करें। क्या आप किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद सफेद रंग के सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्पट्टी की माला रख दें और उस पर केसर और इत्र छिड़क देना चाहिए और उसके बाद धूप अगरबत्ती करके आप ओम ह्रीम वाग वादिनी भगवती ममह कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इसकी एक माला नहीं तो कम से कम 21 बार जाप करें। इस प्रकार 11 दिन तक लगातार करने के बाद वो माला सिद्ध हो जाएगी। अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पढ़ाई के लिए, किसी काम को लेकर जा रहे हैं तो उसे धारण कर लेंगे तो मन शांत रहेगा और बुद्धि आपकी प्रखर होने लग जाएगी। सिंह राशि, अपने घर की महिलाओं की आज विशेष सेहत पर ध्यान रखिए, स्पेशली माता जी की सेहत पर। आलस्य, लेट लतीफी, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना सोचे विचारे काम करना बिजनेस पर्सन के लिए नुकसान ला सकता है और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आपको काम करना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए। वर्क प्लेस पर सीनियर का कोई काम आपके लिए उलझन पैदा कर देगा। एम्प्लॉयड पर्सन पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, वरना कोई वाद विवाद या आपकी इमेज खराब हो सकती है। सामाजिक स्तर पर किसी काम को लेकर आपकी इमेज डाउन कोई करने वाला है। परिवार के साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए कुछ त्याग करने पड़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, इसलिए वचन का और जुबान का सही प्रयोग करेगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को आज ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी अगर स्टूडेंट हेल्दी तरीके से करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो मजा आ जाएगा। कन्या राशि, साहस करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होने से प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा। पुराना दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। रुके हुए काम, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए काम आज संभावना है कि आगे बढ़ जाए। वर्क प्लेस पर नई पोस्ट के साथ आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपने बॉस को प्रसन्न करके रखना है और उनके ज्ञान का पूरा लाभ लेना है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रखने की जरूरत है। फैमिली मेंबर्स के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पूरा सहयोग रखिएगा, जो चाहे वो होगा। मस्कुलर पेन में आपको तनाव बढ़ सकता है, इसलिए स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़ें। आपको अनावश्यक चिंता और अनावश्यक खर्चे दोनों से बचना चाहिए। अगर कंपटीशन की तैयारी स्टूडेंट घर पर नहीं कर पा रहे तो आज अलग से कमरा लेकर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तुला राशि,
आपकी जिम्मेदारी क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे पूरा करिए, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ समस्याओं का आज सामना करना पड़ेगा, और वैसे मुश्किलों से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाना नहीं। बिजनेस पर्सन थोड़ा धैर्य से काम ले, किसी भी विवाद में पहले से हर पहलू पर जानकारी रखना जरूरी है। वर्क प्लेस पर इमोशनल अत्याचार आपके साथ तनाव ला सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर काम करेंगे तो हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। फैमिली के साथ कोई अच्छे प्रोडक्ट या लग्जरी प्रोडक्ट की खरीदारी असंभव है। फैमिली के साथ भविष्य को लेकर चिंतन करना चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर आपकी मध्यस्थता से कोई विवाद हल होगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आपका मन नेगेटिव लोग और एनवायरमेंट से अगर दूर रहेगा तो आज उतने ही आप खुश नजर आएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स स्मार्ट वर्क करेगा, ये दिन आपका है। लव पार्टी और लाइफ पार्टी की कोई विश आज पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि, मन में घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता और आत्मविश्वास की थोड़ी कमी आ सकती है। बुध, आदित्य, शुक्ल और ब्रह्म योग के बनने से बिजनेस में मार्केट में अटके लटके बटके काम आप अपने देखरेख में करोगे तो निपट जाएंगे। वर्क प्लेस पर दिन आपके फेवर में है, आपको गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट करने से बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और नए काम इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के साथ कर पाएंगे। पॉलिटिशियन को मंच पर अगर कोई बुलाते हैं तो सही और सटीक भाषण दीजिए, फालतू की बातें नहीं करनी क्योंकि जुबान आज फिसलने वाली है। फैमिली में खुशहाली का माहौल आप बनाने वाले हैं। आपको हर परिस्थिति में साहस, करेज और एंथुसियाज्म बना के चलना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसलिए मन में उत्साह रखिए। स्थायी संपत्ति खरीदने का फैसला आज आपका सही होगा। पुलिस, फौज, प्रशासन, बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सफलता मिलेगी। परिवार में भविष्य को लेकर कुछ बातें अच्छी हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए खर्चों की रूपरेखा बनानी चाहिए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रेवल जो है पोस्टपोन्ड हो सकता है। खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए, जो मना है वो ना खाए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद गुरु पूर्णिमा स्पेशल बात करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हम अपने रूटीन काम में देखें तो रोगी होने पर डॉक्टर की, और कोई लीगल अवेयरनेस है तो हमें लॉयर की जरूरत पड़ती है। हम किसी भी प्रकार के काम के लिए हमें अपने विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। और जिस प्रकार हम अपने जीवन में स्वास्थ्य रहने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए, अपने काम को ठीक करने के लिए अपने अपने फील्ड के गुरु से मिलते हैं, उसी प्रकार पूजा पाठ, व्रत, साधना, सत्संग के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कीजिए 10 पांचा जब तक मिले न सांचा, इसलिए आपको अपने संस्कार को, अपने ज्ञान को सदगुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं वो आपके मोह, माया, अहंकार और बुरी इच्छाओं का त्याग करने में मदद करते हैं और मन में खुशी का एहसास होता है। गुरु के वचन आपके गलत कार्यों से आपको रोकते हैं और मन में दूषित विचार नहीं आने देते हैं, इसलिए गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वो भी 21 जुलाई को। बात करते हैं धनु राशि की। नए संबंध और नए संपर्क हानि दे सकते हैं, इसलिए हर किसी से दिल खोलकर बात नहीं करनी चाहिए। बिजनेस में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा और लीगल प्रॉब्लम आज परेशान कर सकती है। आज बिजनेस पर्सन को कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से दूरी बनानी चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे बॉस की डांट भी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन सुरक्षा का ध्यान करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में किसी प्रकार से खुश रहें। वो इसी ताक में कि आप कोई गलती करें और आपको पनिशमेंट दिलवाए। फैमिली में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, इसलिए रिलैक्स रहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, वरना आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे युवा हैं उन लोगों को आज लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। टीचर, कोच, मेंटोर से जो सलाह मिले वो आपके काम आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की टेंशन आपकी टेंशन होनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर आपको किसी विशेष जगह पर जाने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को समय का सदुपयोग करना चाहिए। सेहत को लेकर ट्रेवल है तो उसे अवॉइड करिए। बात करते हैं मकर राशि की। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी के कहने पर नहीं बल्कि आगे चलकर इनिशिएटिव लेते हुए पूरा करना चाहिए। बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन मिला जुला रहेगा, ना तो ज्यादा प्रॉफिट ना कोई घाटा होगा। वर्क प्लेस पर नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ रखने वाली है, और वैसे अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, देर करोगे तो गंवा दोगे। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और काम भी आप ढंग से कर पाएंगे। आपको हड्डियों में तकलीफ परेशान कर सकती है। घर से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आप लेने वाले हैं। जिन युवाओं का रिश्ता अभी तय हुआ है उनको अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा फसाद आज हो सकता है।
फैमिली के साथ अच्छा भोजन, अच्छा ट्रेवल एंजॉय करवाएगा। हायर एजुकेशन या जॉब के लिए बाहर जाना है तो आज वीजा के लिए अप्लाई करिए या फिर किसी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सभी काम को रिलैक्स होकर करना चाहिए और एडवांस प्लानिंग करके करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप एंजॉय कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग आपको बहुत खुश करने वाली। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो अवसर मिल रहे हैं, मौका मिलते उसका चौका लगाइए। कुंभ राशि। घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलकर आप अपने नियम कायदे कानून भी अलग से बना पाएंगे। बिजनेस विस्तार के लिए, नई टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। आज पूरे दिन में ये प्लान जरूर कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए अचानक धन प्राप्ति, रुका हुआ पैसा आना, नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं जिससे कर्जा भी कम हो सकता है। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन, कोई भी काम बिना सोचे समझे और प्लानिंग के बिना नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज का दिन आपका काम करने में थोड़ा मन कम लगेगा और फैमिली के भीतर कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है। खुशी का माहौल लाने के लिए कोशिश करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आपकी हेल्प की जरूरत है, करिएगा मदद। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो दिल खोलकर आज अपने दिल का हाल बयां कर दीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। सामाजिक स्तर पर आप नहीं आपका काम बोले और आप ज्यादा बोलेंगे तो कानूनी विवाद में फंस जाएंगे। मीन राशि। स्पिरिचुअलिटी, दान पूजा पाठ धर्म कर्म, आध्यात्मिक शक्ति जगेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जुड़े हुए लोगों को नए संबंध और नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाले हैं। बिजनेस पर्सन सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाने में सफल होंगे। वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ा पद आने वाले टाइम में मिल सकता है, इसलिए अपनी इमेज को सुधारिए। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी कमर को कस लें क्योंकि जल्द ही आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सामाजिक स्तर पर किसी नए काम की शुरुआत का मानस आज बन सकता है। प्राण जाए पर वजन ना जाए, वजन को कम करने के लिए स्पेशल कुछ सोचना होगा, त्याग करना होगा, वो भी भोजन का, यानी जिस पे ज्यादा स्वाद है थोड़ा कम करिए। फैमिली में किसी नए मेंबर की शुरुआत या फिर नए मेंबर के आने की कवायद तेज होने वाली है। माता पिता को चाहिए कि बेहतर पेरेंटिंग के लिए हमेशा बच्चों को समझाना जरूरी नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन बहुत एंजॉय के साथ गुजरेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जमकर मेहनत करिए, फल खुद ब खुद अपने आप आपको अच्छा मिल जाएगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर 10th हाउस पे हो तो व्यक्ति के काम बहुत प्रभावित होते हैं, नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में उसकी जिंदगी नहीं चलती है। पिता को कष्ट या पिता से कष्ट या पिता और संतान में बनती नहीं है। स्वास्थ्य में अज्ञात भय उसे बहुत रहता है और पैसा फंसना, नुकसान और धोखा अक्सर होता रहता है। वो लोग गवर्नमेंट जॉब अगर प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसे लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं और किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। शक बहुत रहता है ऐसे लोगों को। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आज पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर बैठकर श्री हरि विष्णु जी का मानसिक रूप से ध्यान करें, यानी विष्णु भगवान का। उन्हें पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करें, फिर केले के पेड़ की पूजा भी करें और साथ में केले के पेड़ के पास में तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें। किसी ब्राह्मण देवता को पीताम्बर भेंट करें और गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाए या फिर बच्चे मिल जाए तो उन्हें स्टडी मटेरियल गिफ्ट करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत, पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी। जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।